हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टैक्सेशन इन इंडिया। हम पढ़ते हैं ना कि टैक्सेस क्या है, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें आज पढ़नी है, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है, एक इंडेक्स टाइप है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि टैक्स है क्या, क्यों लगाया जाता है, गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होता है। सेकेंड है सेस, एक टर्म यूज होती है सेस एंड टैक्स, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सरचार्ज क्या होता है, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं टैक्स के अंडर जो आती हैं, टैक्स, सेस एंड सरचार्ज। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्सेस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एंड देन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, इसके ऊपर एक हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये कंप्लीट टॉपिक एक वीडियो में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे तीन पार्ट्स में मैं डिस्कस करूंगी। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट सेस, सरचार्ज क्या होता है, ये सब कुछ। फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, राइट? तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टैक्सेशन क्या होता है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप वैसे ही नोट्स को अगर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हैं आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको इकोनॉमिक्स एक अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है तो आपको वैसे ही समझना पड़ेगा ना। टैक्सेस की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट हैज टू रन द कंट्री, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फैसिलिटीज, सो दे नीड फंड्स फॉर दैट। सरकार को पूरा का पूरा देश चलाना है, सरकार को सब्सिडाइज्ड फैसिलिटीज, जैसे कि एजुकेशन, हम पढ़ते हैं ना कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, हम जाते हैं पीडीएस में जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स में जाते हैं, वहां हमें वीट राइस बहुत ही कम दाम पे मिलता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो वो सब सरकार पब्लिक को प्रोवाइड करवाती है। लेकिन उसके बदले में सरकार भी तो हमसे कुछ चाहती है, सरकार पैसा कहाँ से लाएगी इन सब चीज़ों के लिए। फ्री एजुकेशन है, अच्छे रोड्स बन रहे हैं, रोड्स की टाइम टू टाइम मुरम्मत हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ स्टेट्स में फ्री है, तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, सरकार को कुछ सोर्स भी तो चाहिए इनकम का। तो जब हम टैक्स प्रोवाइड करवाते हैं तो वो एज अ सोर्स ऑफ इनकम है सरकार के लिए, उसी पैसे को, उसी टैक्स को सरकार यूज करती है अलग अलग जगह पे डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। कंसेप्ट की हम बात करें, सो इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। क्या है टैक्स, एक रेवेन्यू का सोर्स है। जैसे हम क्या करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, आते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू सोर्स है, जहां से हमें पैसा आता है उस पैसे से हम अपनी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करते हैं, राइट? तो वैसा ही टैक्स के साथ होता है, टैक्स जो है एक रेवेन्यू का सोर्स है सरकार के लिए। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू गार्नर रिसोर्सेज, सरकार लोगों को कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए टैक्स लेती है। जैसे कि आपने देखा है, आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है तो, लेकिन उसमें खर्चा तो हो रहा है ना सरकार का, जो टीचर है उसको सैलरी जा रही है, वहां पे बिल्डिंग बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, आपको बुक्स फ्री मिलती हैं स्कूल लेवल पे सरकारी स्कूल्स में, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है ना। तो इस तरह से रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो वो वैसा एक इंस्ट्रूमेंट है टैक्स। नाउ दीज रिसोर्सेज आर देन यूज बाय गवर्नमेंट टू मेक एक्सपेंडिचर। पहले सरकार हमसे टैक्स लेती है, अलग अलग फॉर्म में, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ये क्लासिफिकेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे, सेस और सरचार्ज क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है? नाउ जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, ठीक है, तो उन टैक्स, वो जो टैक्स का अमाउंट होता है उसे लोगों पे ही खर्च करती है, उन्हें अलग अलग फैसिलिटीज देके, ठीक है? इट कैन बी यूज एज अ टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी हम टैक्स को एज अ टूल ले सकते हैं। अब इस चीज का क्या मतलब है, देखिए, अब थोड़ा सा जो ये वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? नाउ इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, वेन देयर इज मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, जब क्या होता है लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आज की डेट में बात करें, जो जमीन का रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर एक चीज का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसा क्यों है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है। पैसा बहुत क्यों है, क्योंकि जो उनके बिजनेसेस हैं, शॉप्स हैं, हर एक चीज चल रही है। देखिए, जो सरकारी इंप्लॉय होता है उसके पास तो पैसा होता है लिमिटेड, क्यों, उसको पता है कि महीने का 50,000 आना है, 40,000 जितना भी आना है, तो उसमें से अपना किराया, बच्चों की एजुकेशन, अपना खर्चा, खाना पीना, रहना, सब काट कटा के बहुत कम पैसा बचता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें अलग अलग सोर्सेज से इनकम आती है, और वो थोड़ा सा बीच में धांधली भी कर देते हैं, ज्यादा नहीं वो अपनी इनकम शो करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अब हमारी सोसाइटी में लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए, इन्फ्लेशन बिल्कुल अलग चीज है, हम पढ़ भी चुके, ठीक है, तो हम यहाँ इन्फ्लेशन नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि हम टैक्स को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, मींस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ
इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अब सरकार को क्या करना है, टेक आउट, वो पैसा खींचना है लोगों से, ठीक है, ताकि लोगों के पास, क्योंकि अगर पैसा बहुत होगा तो महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। हमने क्या करना है, महंगाई को एज अ टूल, महंगाई को रोकने के लिए एज अ टूल यूज करना है टैक्स को। तो अब पैसा लोगों के हाथ से लेना है, तो कैसे लेगी सरकार, गवर्नमेंट इंक्रीजेज द प्राइजेस, हर एक चीज का रेट बढ़ा देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम कोई 100 रुपीज की चीज है, उस पर 10% टैक्स है, तो अब जो पर्सन है उसके पास कितने रुपीज बच गए हाथ में खर्च करने के लिए, 90 रुपीज, क्योंकि 10% तो वो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही सरकार क्या करेगी, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ रखा है, तो उसी 100 रुपीज पे जो अपना टैक्सेशन सिस्टम है, जो टैक्स परसेंटेज है, वो इंक्रीज कर देगी, 13% कर देगी। तो 100 रुपए की चीज पे इंसान 13% टैक्स दे रहा है, मतलब उसके पास सिर्फ 87 रुपीज बचते हैं खर्च करने के लिए। ये जो परसेंटेज में है, ये है रेट ऑफ टैक्सेशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो। नाउ टैक्सेशन को और अच्छे से एक बार देखते हैं यहां पे कि क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा सा इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखा है, दैट इट इज अ लीगल फी और फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय द गवर्नमेंट और एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। अब टैक्सेशन क्या है, एक फीस है, एक पैसा, एक अमाउंट है, एक रुपी, मतलब अमाउंट है, ठीक है, जो सरकार लगाती है किसके ऊपर, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये हो गया हमारा टैक्स, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम देखें कि कहाँ पे टैक्स का हमें ये सिस्टम दिखता है, तो जूलियस सीजर ने सबसे पहले 1% सेल्स टैक्स लगाया था, जो कि रोमन डिक्टेटर थे। इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, बट हल्का सा आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, अर्थशास्त्र जो हमारी है, जो हम एंशियंट में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, विच इज रिटन बाय कौटिल्य, यहाँ पे इलेबोरेट टैक्सेशन सिस्टम का हमें पता चलता है, एंड मोर और लेस आज भी इंडियन गवर्नमेंट इन्हीं का जो टैक्सेशन सिस्टम था उसे फॉलो करती है, ठीक है। नाउ मैंने कोशिश की मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं। अभी देखिए, हमें काफी कुछ और पढ़ना है, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, टैक्सेशन का थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट टैक्स इज कलेक्टेड एज अ रेवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क्स डन बाय गवर्नमेंट। लाइक देखिए, एक्सप्लेन मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में देखेंगे कि कैसे कैसे हम उसको लिख सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। तो टैक्स जो सरकार कलेक्ट करती है, वो एज अ रेवेन्यू रहता है सरकार के लिए, एक इनकम का सोर्स रहता है, जो आम जनता के लिए ही उसे यूज करती है सरकार, ठीक है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है, टैक्स के थ्रू ही आ रहा है। एजुकेशन में यूज होता है, एजुकेशन का मैंने आपको अच्छे से समझाया। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जी फ्री, ये ट्रेन चल रही है वुमेन के लिए फ्री होगा, बसेस में देखिए आप वुमेन के लिए यहाँ पे फ्री होगा, उस स्टेट में फ्री होगा, पढ़ते हैं ना हम। ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, यस, अंडर वाटर टनल बन रही है, ब्रिजेस पुल बन रहे हैं, 4 लेन पुल बन रहे हैं, इस तरह से ब्रिजेस का हम पढ़ते हैं। तो सरकार जो है टैक्स को एज ए रेवेन्यू कंसिडर करती है, और उसे आम जनता के भले के लिए ही यूज करती है। हाँ, नो डाउट करप्शन भी होती है, बीच में बहुत कुछ धांधली होती है, बट दैट इज कम्प्लीटली अ सेपरेट थिंग, उसको हमें यहाँ पे मिक्स नहीं करना है। नाउ इम्पोजेज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन इट्स सिटीजन्स। जो ये टैक्सेशन सिस्टम है, ये जो आम आदमी है, नागरिक है देश का, उसके ऊपर एक फाइनेंशियल लेवल पे ऑब्लिगेशन, उसकी एक ड्यूटी है टैक्स पे करना, ठीक है, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है। नाउ यहाँ पे हम दो आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे, एक जो कि टैक्स से डील करता है, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम जब हम मैं आपको पॉलिटी थ्रू एम लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगी, वहां पे इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जैसे जैसे बुक में चलता है। फिलहाल आर्टिकल 265 क्या बोलता है, अथॉरिटी ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड, टैक्स बिना लॉ की अथॉरिटी के नहीं लगा सकते, शुड बी बैक्ड बाय द लॉ। कानून में प्रोविजन होना चाहिए कि आप टैक्स लगा रहे हो, ऐसा नहीं मन किया कि चलो आज ये वाला टैक्स लगाते हो और एकदम से टैक्स इम्पोज हो जाता है, नहीं। ये अब मैंने आपको लोकल सिंपल सी भाषा में समझाया एग्जैक्टली आर्टिकल 265 क्या बोलता है, दैट वट एवर टैक्स इज बींग चार्ज्ड नीड टू बी बैक्ड बाय द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी टैक्स अगर इम्पोज किया जा रहा है, तो वो वैसे इम्पोज नहीं किया जा सकता कि चलो जरूरत है ये चीज, इस चीज की जरूरत है, टैक्स लगा दिया, नहीं। कोई भी टैक्स सिर्फ तभी लगाया जा सकता है, तभी इम्पोज किया जा सकता है, अगर उसके लिए प्रॉपर कानून, प्रॉपर लॉ बनाया गया हो, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाना चाहिए, ठीक है। ये बोलता है आर्टिकल 265, राइट, कि हमें कानून की अथॉरिटी चाहिए किसी भी लॉ, किसी भी टैक्स को इम्पोज करने के लिए। नाउ आर्टिकल 246 क्या बोलता है, इट ग्रांट्स पावर टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज्ड बाय सेंटर और सच स्टेट।
अब आर्टिकल 246 क्या करता है, अब देखिए आर्टिकल 246 और भी बहुत सारी चीजों से डील करता है, बट जो क्लॉज इसका टैक्सेशन से रिलेटेड है वो हम अभी पढ़ रहे हैं. सो आर्टिकल 246 इतनी पावर देता है सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कि वो जीएसटी से रिलेटेड लॉज बना सकती है. अगर सेंटर जो है जीएसटी इम्पोज कर रहा है जिन जिन जगह पे, उन जगहों के लिए सेंटर जो है लॉज बना सकती है. जिन जिन जगह पे स्टेट जो है जीएसटी इम्पोज कर रहा है और पैसा स्टेट के पास जा रहा है, वहां वहां पे स्टेट जो है वो लॉज इम्पोज कर सकती है, लॉज अपने बना सकती है. ये पावर है 246 आर्टिकल के अंडर. नाउ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलते हैं, तो देखिए वैसे तो हम पढ़ते हैं पंचायती राज से रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, बट इनमें और भी प्रोविजन है रिलेटेड टू टैक्सेशन. और वो क्या है, प्रोविजन टू लेवी टैक्सेस बाय पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. इतनी पावर पंचायतों के पास भी है, म्यूनिसिपैलिटीज के पास भी है कि वो टैक्सेस इम्पोज कर सकती है, टैक्सेस जो है वो लगा सकती हैं. ठीक है जी, अब आई होप आपको समझ में आ रहा है. कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. देखिए अभी मैं टैक्सेशन सिस्टम पढ़ा रही हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है एक अलग से वो टॉपिक में टैक्सेशन से रिलेटेड लेकर आ सकती हूँ. अदरवाइज एक बार कंप्लीट हो गया फिर से वो पेस बनाना मुश्किल रहता है. ठीक है, नाउ सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, ये आपको ना कई जगह पे मिलेगा कि इतना सेस इम्पोज हुआ इतना सरचार्ज हुआ, तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा. नाउ सेस मस्ट ओनली बी अप्लाइड टू द पर्पस फॉर विच इट इज लेविड. क्या होता है, मान लीजिए हम बोलते हैं एजुकेशन टैक्स लगा, यहां पे टैक्स नहीं करना, यहां पे सेस आएगा, ये दोनों काट दो, यहां पे आएगा सेस, यहां भी आएगा सेस. अगर हम बोलते हैं कि एजुकेशन सेस इम्पोज हुआ है, स्वच्छ भारत सेस इम्पोज हुआ है, इसका मतलब एक तरह से टैक्स ही होता ही है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा इससे कलेक्ट होगा, इस एजुकेशन सेस को लगा के जो पैसा कलेक्ट होगा वो पैसा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में यूज किया जाएगा. स्वच्छ भारत सेस, अगर इसके अंदर जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो सिर्फ भारत को स्वच्छ रखने के लिए यूज किया जाएगा. तो इसका मतलब है कि सेस जब इम्पोज किया जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर पर्पज होता है, और जब पैसा कलेक्ट होता है तो वो उसी पर्टिकुलर पर्पज को वेरीफाई पूरा करने के लिए जो है यूज होता है. नाउ इम्पोज्ड ऑन ऑल टैक्स प्लेयर्स, टैक्स पेयर्स, अब जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, जो भी टैक्स पे करते हैं उन सबके ऊपर ही लगता है. ठीक है, ऐसे नहीं किसी पर्टिकुलर इंसान पे लगेगा, जो जो टैक्स देते हैं उन सबके ऊपर लगेगा. नाउ इस तरह से सेस क्या है, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जो इंसान टैक्स पहले दे रहा है ठीक है उसके उसको एक और टैक्स देना है, इस तरह से ये है. पेड टू द CFI, ये क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266(1), जो कि इंडियन पॉलिटी में रिसेंटली मैंने वन लाइनर्स में आपके साथ डिस्कस किया है. नाउ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसमें ये सारा जाता है. आई होप आपको समझ में आया है. सेस किसी पर्टिकुलर पर्पस के साथ लगता है, जिस पर्पस के लिए इम्पोज किया जा रहा है पैसा, आने वाला पैसा उसी पर्पस पे यूज किया जाएगा. जितने भी टैक्स देते हैं देश में उन सबको सेस देना होगा. इट इज ऑल्सो नोन एज अ टैक्स ऑन टैक्स, जो कि पे किया जाता है, आम आदमी की जेब से जाता है सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. सेकेंड साइड पे आता है सरचार्ज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा. इट इज अ फी एडेड टू एनी टैक्स दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड. कोई भी इंसान है वो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है लेकिन उसको उसके ऊपर एक और टैक्स देना होगा. इसका क्या मतलब है, यहां भी हम दो टैक्स दे रहे हैं, यहां भी तो जो इंसान अपना सिंपल टैक्स दे रहा है उसको सेस देना पड़ेगा, तो यहां भी जो इंसान ऑलरेडी एक टैक्स दे रहा है उसको ऊपर से सरचार्ज देना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है, देखिए इट इज नॉट लेवीड फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन. पहला पॉइंट तो ये, जैसे एजुकेशन सेस है एजुकेशन के लिए लगा, इसमें ऐसा कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है क्यों लगा रहे हैं, बस आपको सरचार्ज देना होगा तो देना होगा. ठीक है, अब ये सबको नहीं देना होता, यहाँ पे जितने टैक्स पेयर्स हैं सबको देना होता है. यहाँ पे सिर्फ जो हाई इनकम स्लैब्स, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको ये सरचार्ज देना होता है. जिनको हम अल्ट्रा वेल्दी कैटेगरी में रखती हैं उन लोगों को ये सरचार्ज देना होता है. अब क्यों, क्योंकि सरकार का मानना है जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे, जो बहुत ज्यादा वेल्दी है, वो सरकार के रिसोर्सेज भी तो ज्यादा यूज कर रहा है. कोई भी काम है, बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो ऑफिसेस जाएगा, सरकारी ऑफिसेस के चक्कर उसके लगते रहते, तो इस तरह से वो रिसोर्सेज भी तो सरकार के ज्यादा यूज कर रहा है, इसलिए उसे टैक्स भी ज्यादा देना होगा. अब जो सिंपल टैक्स चल रहा है उसका वो तो ठीक है, बट उसके ऊपर एक उसको सरचार्ज देना होता है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान की इनकम 30 लाख है एक साल की, या फिर 40 लाख है एक साल की, जो कि ऑलरेडी फिक्स किया होता है सरकार ने, तो उसके ऊपर उस इंसान को, उस अल्ट्रा वेल्दी पर्सन को कुछ और सरचार्ज, कुछ परसेंटेज रखी होती है, वो भी देना पड़ता है. जो तो टैक्स देगा वो तो देगा, उसके ऊपर सरचार्ज देना पड़ता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट का मानना है कि इस तरह के इंसान रिसोर्सेज भी तो ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्लस जो इनकम पैरामीटर है कि कितनी इनकम के ऊपर सरचार्ज देना होता है इंसान को, वो फिक्स होता है. ठीक है, तो अब देखिए हमने आर्टिकल्स इससे रिलेटेड पढ़े, सेस और सरचार्ज पढ़ा, काफी ज्यादा चीजें पढ़ी, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा. आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस. सो टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स
प्रिंसिपल्स इससे रिलेटेड हैं, इसके डेफिनेशन क्या है, टैक्स क्यों इम्पोज किया जाता है और सेस और सरचार्ज क्या है, ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ एक सब टॉपिक टैक्सेशन सिस्टम के अंडर पढ़ेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। तो सबसे पहले टैक्स क्या होता है हल्का सा रिवाइज कर लेती हैं एंड देन हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो टैक्स इज अ मैंडेटरी फी इम्पोज्ड अपॉन इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स टू हेल्प बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री बाय मीटिंग वेरियस पब्लिक एक्सपेंसेस। टैक्स एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसी फीस है जो कि मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, हर एक इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन को पे करना होगा, मतलब जो भी उस टैक्स स्लैब के अंडर आते हैं उन्हें पे करना होगा। अब या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। क्यों इम्पोज किया जाता है? ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसे स्ट्रांग कर सकें, उसे मेंटेन करके रख सकें। कैसे? अब देखिए, हमें पता है ना कि एजुकेशन फ्री है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है हमारी। उसके बाद हमें सब्सिडाइज्ड फॉर्म में सिलेंडर्स मिलते हैं, सब्सिडाइज्ड फॉर्म में हमें वीट, राइस, आटा चावल मिलते हैं फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकानों से। तो ये जो फ्री सर्विसेज या जो कम प्राइस पे सर्विसेज, जैसे रोड्स हैं, बार बार मुरम्मत होती रहती है, सुलभ शौचालय हैं, टॉयलेट्स की फैसिलिटी मिलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में वुमेन को ऑफ मिलता है, तो ये सारे जो फैसिलिटीज हैं जो सरकार हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या कम रेट पे मुहैया कराती है, ये सब कैसे मिलती है? क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं सरकार को। अब सरकार के पास टैक्स आता है, दैट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे हमारी इनकम का सोर्स क्या है, नौकरी पे जाते हैं, दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, वैसे ही सरकार का इनकम सोर्स क्या है, वो टैक्स कलेक्ट करता है आम आदमी से। ठीक है, बाकी टैक्सेस के बारे में ज्यादा जाना है प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहां जस्ट मैंने एक भूमिका सी बांधी कि हमें टैक्सेस के बारे में पढ़ना है तो हल्का सा आइडिया हो जाए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। नाउ टैक्सेस को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे तो प्रोग्रेसिव हो गया, तीन और फॉर्म्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब तो इंपॉर्टेंट कौन से हैं हमारे, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कोई आपको टैक्स का नाम दे देंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, या इन दोनों में से किसी में भी नहीं था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है ना, तो आपको वो देखना है। नाउ ये दो चीजें हमें पढ़नी है वन बाय वन, वीडियो में भी थोड़ा सा लेंथी हो बट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा, तो बस ध्यान से सुनते चलिए। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, इकोनॉमिक्स आपको समझना चाहिए कि ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। ठीक है, रटने वाले क्वेश्चंस आते भी नहीं है एग्जाम में, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे एक चीज समझ लीजिए, डायरेक्ट टैक्स जो आम आदमी डायरेक्टली सरकार को देता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो आम आदमी डायरेक्ट सरकार को नहीं देता, बीच में कोई बिचौलिया आता है उसे देता है, फिर वो बिचौलिया जो है वो सरकार को देता है। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पैरेलली चलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट टैक्स समझाऊंगी, बीच में मे भी आपको कुछ चीजें समझ ना आए, बट जैसे ही हम जंप करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स पे, तो उसके बाद जब हम रिलेट करके पढ़ेंगे ना, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। बिलीव मी, आपको इसके बाद किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है, बट पेशेंस के साथ पहले कंप्लीट डायरेक्ट टैक्स पढ़िएगा, फिर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़िएगा, फिर आपको कोई इशू आता है तो आप दूसरी वीडियो पे जाइएगा, बट आई गारंटी यू कि आपको नहीं जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू नहीं होगा। नाउ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज अ टैक्स लेविड ऑन इनकम और प्रॉफिट्स ऑफ पीपल। आम आदमी है, आम जनता है, जो वो इनकम अर्न करती है, जो वो पैसा कमाता है, जो वो मुनाफा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स है, हमारी इनकम होता है ना कि एक टैक्स स्लैब है, इतने से ज्यादा अगर आप इनकम कर रहे हो तभी आपको टैक्स लगेगा, जैसे अगर उससे कम आपकी, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक 5 लाख के अराउंड है, उससे कम अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना होता, ऐसा कुछ है, वो चीज अलग है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझिए कि डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम के ऊपर, हमारे प्रॉफिट के ऊपर, हमारी अर्निंग के ऊपर लगता है, और हम डायरेक्टली किसको देते हैं? सरकार को। नाउ इट इज अ टैक्स लेविड डायरेक्टली ऑन अ टैक्स पेयर हु पेज इट टू द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट पास इट टू समवन एल्स। ये एक ऐसा टैक्स है जो किसी इंसान को लगता है जो पैसा कमा रहा है, जो नहीं कमा रहा वो क्या टैक्स देगा, है ना? तो जो पैसा कमा रहा है किसी भी तरह से, उसके ऊपर लगता है डायरेक्ट टैक्स, भारत सरकार के द्वारा लगता है। नाउ अब मान लीजिए मैं सरकारी नौकरी कर रही हूं और मुझे टैक्स देना है, ठीक है, लेकिन मेरी इनकम कम है, मैं सिर्फ 12,000 कमाती हूं, मुझे नहीं देना टैक्स, मेरा मन नहीं है टैक्स देने का, मेरे अपने खर्चे नहीं हो पा रहे, तो मैं अपनी फैमिली मेंबर या किसी और को नहीं बोल सकती कि आप मेरा टैक्स दो। मैं इनकम कर रही हूं, मैं सरकार के रिसोर्सेज यूज कर रही हूं, तो मेरी ही एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे टैक्स देना है, मैं ये किसी और को पास नहीं कर सकती हूं। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है, कोई और ही आपका टैक्स देता है, वो हम नेक्स्ट
बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई चीज समझ नहीं आए तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे समझ नहीं आ रहा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं ऐसे जो आपको नेक्स्ट पेज पे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने के बाद में समझ आएंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, मैं पैसा कमा रही हूँ, मुझे ये टैक्स भारत सरकार को देना होगा। सो मैं अपने फादर, मदर, भाई, बहन किसी को नहीं बोल सकती मेरी तरफ से टैक्स तो मुझे ही देना होगा। वो चीज अलग है, उनसे उधार करके टैक्स दे दिया, बाद में वापस कर दिया, है ना। सेकेंड पॉइंट है टैक्स पेयर पेज डायरेक्टली टू द अथॉरिटी इम्पोजिंग द टैक्स। जो टैक्स लगा रहा है टैक्स देने वाला उसी को टैक्स देता है, किसी बिचौलिए को टैक्स नहीं देता। हम मैं डायरेक्टली भारत सरकार को टैक्स दूंगी क्योंकि मैं सरकारी नौकरी कर रही हूं, मैं किसी बिचौलिए को टैक्स नहीं दूंगी, ठीक है। नाउ वहां पे क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, किसी मीडिएटर को टैक्स देना होता है, राइट। थर्ड पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको समझाती हूँ। हियर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन, इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम इंसान पे है। अब ये आपको यहां समझ नहीं आएगा, पहले मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो समझिए फिर आपको डायरेक्ट टैक्स समझ आएगा। हम जाते हैं किसी शॉप में, मान लीजिए बर्गर खरीदने जाते हैं या मान लीजिए पिज्जा खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। पिज्जा ज्यादा इजी समझना, आप हंगर्स में जाओ जो मेनली पिज्जा के साथ डील करता है, डोमिनोज में जाओ, है ना, डोमिनोज मेनली पिज्जा के साथ डील करता है। नाउ आपने पिज्जा खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपका पिज्जा है 500 रुपीज का, या इजी कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए 1000 रुपीज का पिज्जा आपने खरीदा, ठीक है। अब जो भारत सरकार है उसने डोमिनोज के ऊपर टैक्स लगाया है कि आपको पर 1000 रुपीज पे 10% टैक्स देना होगा। तो 1000 रुपीज का 10% कितना हुआ, ₹100। इसका मतलब ये है कि जो डोमिनोज आपको 1000 रुपए का पिज्जा बेच रहा है ना, उसमें से सिर्फ 900 रुपए है जो डोमिनोज रखेगा, उसमें उसकी लागत भी आ गई, प्रॉफिट भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन जो उस पे वो 100 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि आप तो 1000 रुपए दे रहे हो उस पिज्जा के लिए, तो जो 100 रुपए डोमिनोज आपसे ले रहा है वो है टैक्स। लगाया तो भारत सरकार ने डोमिनोज के ऊपर, लेकिन डोमिनोज खुद से नहीं दे रहा, वो बोल रहा है मैं क्यों दूं, खा तो आप रहे हो, सर्विस तो आप एंजॉय कर रहे हो, पिज्जे का लुफ्त तो आप उठा रहे हो, तो आप पे करो। तो वो आप पे टैक्स लगा रहा है, तो जिसकी वजह से जो 100 रुपए है, अब आपको नहीं मतलब क्या आप दे रहे हो, आप सीधे दे रहे हो उसको 1000 रुपए, 900 रुपए वो रख ले रहा है, 1000 रुपए में से 100 रुपए वो दे रहा है सरकार को। अब यहां पे दो लोग आ रहे हैं, एक है आपका डोमिनोज वाला, एक है पर्सन जिसका हम नाम हम रख लेते हैं मैगन, क्योंकि यहाँ पे मैगन से मैंने एक्सप्लेन किया है तब आपको समझ आएगा। अब और एक है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा डोमिनोज को टैक्स दो, डोमिनोज ने कहा मैं क्यों दूं, सर्विस तो मैगन एंजॉय कर रही है, वो टैक्स देगी। तो अब मैगन ने 100 रुपए 1000 रुपए के ऊपर भारत सरकार को दे दिए, भारत सरकार को नहीं मतलब कहां से टैक्स आ रहा है, उनको चाहिए डोमिनोज में 100 रुपए पिज्जे के ऊपर टैक्स, जो से मिल गया सरकार खुश, डोमिनोज खुश, मैगन भी पिज्जा खा के खुश, है ना। अब यहां पे हमने पढ़ा क्या, इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस क्या होता है। इम्पैक्ट होता है टू हूम द गवर्नमेंट इज आस्किंग टू पे द टैक्स, यहां पे भारत सरकार किसको बोल रही है कि टैक्स दो, डोमिनोज को बोल रही है ना, तो यहां पे आपका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, डोमिनोज के ऊपर पड़ रहा है। भारत सरकार को जो वो कंडीशन दे रही है इतना टैक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो इम्पैक्ट पड़ रहा है डोमिनोज के ऊपर। लेकिन इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब होता है हु इज पेइंग द टैक्स, यहाँ पे कौन एग्जैक्टली टैक्स पे कर रहा है, बोला तो सरकार ने किसी को पर दे कोई और रहा है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंस है वो हो रहा है मेगन पे, ठीक है। दो टर्म्स यूज की, डायरेक्ट टैक्स को हम डिस्कस करेंगे, रुक जाओ पहले ये समझो फिर आपको ये डायरेक्ट समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा, ठीक है। नाउ डायरेक्ट टैक्स में हमने बात की कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे, साइड में रखो इस चीज को। हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, ये चीज मैं आपको आगे बुकिश लैंग्वेज में नोट्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड करवाऊंगी, बट पहले समझिए, समझना ज्यादा जरूरी है, नोट्स तो बनते रहेंगे, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स में जो इम्पैक्ट है और इंसिडेंस है वो अलग अलग लोगों पे होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है भारत सरकार किसको बोल रही है टैक्स देने को, इंसिडेंस का मतलब होता है टैक्स एक्चुअली दे कौन रहा है। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग लोगों पे होते हैं। लेकिन अब आइए डायरेक्ट टैक्स में, यहां पे जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है वो एक ही इंसान पे होता है। मतलब इम्पैक्ट क्या है, टू होम द गवर्नमेंट इज आस्किंग टू पे द टैक्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक वुमेन ले रहे हैं, मैगन, भारत सरकार बोल रही है मैगन आप कमाते हो पैसे, बढ़िया नौकरी करते हो, आप टैक्स दो, ठीक है। तो मैगन को भारत सरकार बोल रही है टैक्स दो। इंसिडेंस यानी हु इज पेइंग द टैक्स, अब टैक्स पे कौन कर रहा है, अब मैगन इनकम कर रही है, इनकम सोर्स उसका है, पैसे वो कमा रही, तो उसकी फ्रेंड थोड़ी उसका टैक्स देगी, वही टैक्स देगी ना, तो अब मैगन ही यहां पे टैक्स पे कर रही है। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स में जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है सेम पर्सन में है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों पे है। आई होप आपको ये समझ आया हो, ये एग्जाम्पल सेम ही चीज आके चलेगा, बट मैं इसको वहां पे डिस्कस नहीं करूंगी, फिर हम थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल वे है वैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाई बोथ सेम, व्हाई बोथ सेम, यहां पे दोनों सेम क्यों है, टैक्स जिससे मांग रहे हैं वो भी सेम है, जो दे रहा है वो भी सेम है, बिकॉज
ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, दैट यू कैन नॉट पास इट टू समवन एल्स बिकॉज द लायबिलिटी टू पे डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी पास टू समवन एल्स. डायरेक्ट टैक्स पे करने की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी है, हम किसी और को नहीं दे सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में. इनडायरेक्ट टैक्स में हम दे सकते हैं. अब देखिए, आपने डायरेक्ट टैक्स अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, इनडायरेक्ट टैक्स कुछ भी नहीं है. डायरेक्ट टैक्स समझ आ गया, फिर इनडायरेक्ट टैक्स में बचा क्या, इसका सब कुछ उल्टा इनडायरेक्ट टैक्स में है. नाउ टाइप्स, जहां से क्वेश्चन आते हैं आपको क्वेश्चन आ जाएगा. कैपिटल गेन्स टैक्स, बताइए डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, या दोनों की कैटेगरी में नहीं आता, या फिर बीच का है, कुछ ऐसा कुछ भी डाल देंगे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स. फर्स्ट वाला है हमारा पर्सनल इनकम टैक्स. ये तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, नौकरी वाला मैंने इतना एग्जांपल दे दिया है. पर्सनल इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है इनकम पे, आपकी सैलरी पे, दैट इज बीइंग अर्नड इन अ फाइनेंशियल ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना पैसा कमा रहे हो उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा. टैक्स स्लैब्स के हिसाब से अलग अलग टैक्स रेट होते हैं, वो अलग चीज है, हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम यहां पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स, याद रखना है. नाउ कॉर्पोरेट टैक्स, ये दोनों सेम है. पर्सनल इनकम टैक्स में एक इंडिविजुअल पे टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी पे टैक्स लगता है. इट इज मेनली इम्पोज ऑन कंपनीज, जो कंपनीज होती हैं उन पे इम्पोज किया जाता है. पे टैक्स ऑन द बेनिफिट्स अर्नड फ्रॉम द बिजनेस, किसी भी बिजनेस एम्पायर से, किसी भी इंडस्ट्री से जो बेनिफिट बनता है, प्रॉफिट बनता है, उसके ऊपर उस कंपनी को टैक्स पे करना होता है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स. ठीक है, थर्ड आता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स. अब ये क्या होता है जी, तो देखिए सिंपल भाषा में आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट का बहुत चल रहा था, एंजल ऐप आई थी और बहुत सारी ऐप्स आई थी जिसमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स को परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, है ना, तो बस वही चीज यहां पर डिस्कस करेंगे. इट इज लेविड व्हाइल डीलिंग विद सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. NSE है, BSE है, वो भी हम पढ़ेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो इनके ऊपर जो भी सिक्योरिटीज, जो भी स्टॉक्स जो है वो लिस्टेड है, अगर आप उनको परचेज या सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होता है, विच इज नोन एज सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स. फोर्थ है वेल्थ टैक्स. आपके पास कितने प्रॉपर्टी है, कितने घराने हैं, जमीन है, दुकानें हैं, घर है, खेत है ना, तो उस सब के ऊपर भी टैक्स देना होता था. That was a type of direct tax, but अब ये abolish हो गया 2016 में. ठीक है, fifth point आता है capital gains tax. अब capital gains tax के लिए थोड़ी सी जगह नहीं बची मेरे पास, but ये explain करना जरूरी है, so ये मैं next page पे explain करूंगी, उसके बाद हम indirect tax के बारे में पढ़ेंगे. अब आप लोग मुझे पहले comment section में ये बताएंगे कि आपको जो मैं समझा रही हूँ समझ में आ रहा है या नहीं. देखिए बहुत मेहनत की है, हर एक पॉइंट अलग अलग जगह से उठाया है कि कोई चीज, एक भी चीज ना छूटे. ठीक है, इससे क्या है कि आपको बढ़िया से नोट्स एक बार मिल गए, अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर उसके बाद आपको जो है रेट वगैरह सब चेक करने हैं. ठीक है, और इसी के साथ रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा मेहनत इकोनॉमिक्स पे लगती है. दो वीडियोस का कंटेंट मुश्किल से एक दिन में बन पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, फिर नोट्स में कई बार खराब हो जाता है, पहले रफ नोट्स बनाने होते हैं, देन फेयर करके नोट्स बनाने होते हैं. तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. आप इतना कर सकते हैं कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट पेज ही कंप्लीट हुआ है, अभी तो हमें डायरेक्ट टैक्स का एक टाइप पढ़ना है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है. थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा. सो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर. नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन्स टैक्स. सो इट इज लेविड ऑन अर्निंग्स मेड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स लाइक स्टॉक्स और रियल एस्टेट. मान लीजिए कोई बिल्डिंग, कोई घर आपके पास था, आप बहुत अमीर हैं, आपके पास कोई घर था, आपको नहीं उसकी जरूरत, आपने बेच देना है, आपने वो बेच दिया, तो उसके थ्रू अब आपने क्योंकि बेचा, आपको प्रॉफिट भी तो हुआ, ऐसे थोड़ी आप लॉस पे बेचेंगे, लॉस पे बेचना है तो बेचना क्यों है ना, एक्स्ट्रा ही तो पड़ा हुआ है, आप क्यों बेचेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी बेचेगा, है ना. इंसान कोई भी चीज क्यों बेचता है, अपनी कार बेच रहा है क्योंकि उसको नई कार चाहिए, पुरानी खराब हो गई है, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत पैसा वहां से आ जाएगा नई कार खरीदने के लिए. घर कोई क्यों बेचता है, क्योंकि उसके पास दूसरा घर है जहां वो रह सकता है, तो वो पुराने वाला घर बेच देता है, यही होता है ना. तो अब जब वो कोई चीज बेचेगा तो वो तभी बेचेगा जब उसको प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज वो क्यों बेचेगा. अगर घर की वैल्यू कम मिल रही है उसको तो क्यों बेचेगा, वो नहीं बेचेगा. तो अब जब कोई चीज सेल हो रही है, जैसे कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है या फिर स्टॉक्स हैं, तो उससे जो पैसा प्रॉफिट उसको बनता है, उस प्रॉफिट पे भी कुछ टैक्स देना पड़ता है, दैट इज नोन एज कैपिटल गेन्स टैक्स. ठीक है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स. चलिए अब बहुत अच्छे से हमने डायरेक्ट टैक्स समझ लिया, थोड़ा बहुत हमने इनडायरेक्ट टैक्स भी समझ लिया, थोड़ा बहुत क्या, हमने मैक्सिमम समझ लिया, तो हमें बस बुकिश लैंग्वेज में डिस्कस करना है. ठीक है, नाउ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. इट इज अ टैक्स लेविड ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो इनकम टैक्स है किसी इंसान की इनकम
प्रॉफिट सैलरी पर लगता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। गुड्स माने फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, टीवी ले लिया, आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा। सर्विसेज यानी सर्विसेज क्या होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, है ना, तो इस तरह के जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी जो टैक्स देना होता है दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ गया, डायरेक्ट टैक्स अपनी सैलरी के ऊपर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनके ऊपर देंगे। सेकेंड पॉइंट आता है, नॉट डायरेक्टली लेविड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। किसी इंसान की जो इनकम है उससे कोई मतलब नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स को, कितना कोई कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 10,000 कमाने वाला भी अगर पिज्जा खाने जा रहा है ना 1,000 का, तो उसको सेम उतना ही टैक्स देना होगा जितना 1,00,000 मंथली कमाता है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, अगर आप सेम गुड्स एंड सर्विसेज दो लोग यूज कर रहे हैं तो उन्हें सेम अमाउंट का इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा, ठीक है। Instead, the person has to pay the tax along with the price of goods and services bought by the seller. अब पिज्जा का ही एग्जाम्पल लेंगे ना बार बार, पिज्जा 1,000 रुपए का खरीदा, एक्चुअल की वैल्यू 900 रुपए थी, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ अर्न करके डोमिनोज का, तो 100 रुपए क्या दे रहे हैं हम, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं, हम पिज्जे का लुफ्त उठा रहे हैं, हम उनसे बना बनाया पिज्जा ले रहे हैं, तो उस मजे लेने का, उसको खाने का हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स है ना, वो सामान है ना, वो तो वो सर्विस वो गुड यूज करने का हम टैक्स पे कर रहे हैं। Here, फिर से आ गए वो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। यहाँ पे जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है बोथ आर ऑन द डिफरेंट पीपल। अच्छे से समझाया मैंने इम्पैक्ट क्या होता है, सरकार किसको बोल रहा है टैक्स पे करने के लिए, इंसिडेंस क्या हो रहा है, एक्चुअल में टैक्स कौन पे कर रहा है, तो वही एग्जाम्पल लेंगे हम फिर से फटाफट से डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट हो रहा है रेस्टोरेंट पे, फॉर एग्जाम्पल हंगर्स प्लेस या डोमिनोज, जो भी कोई एग्जाम्पल हमने लिया, वहां पे मेगन गई एंड वो बोल रही है मुझे बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, जो भी है 1,000 रुपए का, यहाँ पे 100 रुपए का एग्जाम्पल मैंने लिया है। सो टैक्स कौन पे कर रहा है, वुमेन हु परचेज पिज्जा फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट, जिसने यहां से पिज्जा परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का था, 10% उसके ऊपर टैक्स है, अब यहां पे मैंने एग्जाम्पल कुछ और सा लिया है, तो यहां पे 110 रुपए प्राइस हो गया उसके पिज्जा का, लेकिन 10 रुपए क्या है, टैक्स है, जो कि गवर्नमेंट को पे किया मेगन ने, लेकिन सरकार ने नहीं बोला कि मेगन तुम पे करो, सरकार ने तो रेस्टोरेंट को कहा, अभी तो रेस्टोरेंट का अपना है कि उसने यूजर या बायर से लिया, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल मैंने अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया, सेम वही चीज़ है, 1,000 का यहाँ पे 100 कर दिया, इजी, क्योंकि 1,000 100 पे जो है कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए। नाउ गवर्नमेंट ने टैक्स बोला रेस्टोरेंट को देने को, रेस्टोरेंट ने ना देके बायर के सर पे डाल दिया, तो बायर क्या कर रहा है, पेइंग इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, सो दैट्स व्हाई दिस टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। अब टैक्स हो गया जी, सब कुछ हो गया, अब थोड़े से टाइप्स भी देख लें कि ये टाइप्स में चल क्या रहा है, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से मैं एक्सप्लेन करूंगी वीडियो, आई नो काफी लेंथी हो गया है, आप लोगों के लिए बोरिंग होगा, बट हम फटाफट से कोशिश करेंगे कवर अप हो जाए। पहला आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब कोई भी सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, कोई इंडस्ट्री है आपकी, आप नोटबुक्स बना रहे हो, आप कपड़े की कर रहे हो, आप फोटो फ्रेम्स बना रहे हो, आप मोबाइल की चिप्स बना रहे हो, जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके लिए आपको जब कोई टैक्स देना पड़ता है दैट इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी, और वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आती है, बट अभी कैंसिल हो चुका है, अब सेंट्रल जीएसटी इम्पोज होता है। सेकेंड आता है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी से हम क्या समझते हैं, कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बाउंड्री से इधर उधर जाने के लिए होता है ना। सो कस्टम ड्यूटी इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बाहर से देश के भारत से कोई देश के बाहर से कोई चीज इंडिया में आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, तो उस पर जो टैक्स देना पड़ता है दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी। हम ये नहीं पढ़ रहे कि कस्टम ड्यूटी होता क्या है, हम ये पढ़ रहे हैं कि ये सारे जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इन ड्यूटीज को हम फिर कभी इन डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स हैं। थर्ड आता है स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जो कोई जमीन लेते हो कुछ भी लेते हो तो वहां पे आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा कुछ, तो उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी होती है ये होती है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल या परचेज के लिए, पेड ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई इंसान बेच रहा है ना तो उसको स्टैम्प ड्यूटी भी साथ में देनी होती है। तब क्या होता है ये नहीं समझना, हल्का सा देख लिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीन है दुकान है उस पर दिया जाता है, बट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। समझना ये कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना, भटकना नहीं है कि हाँ जी स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है उस पर चलेगी, नहीं, देख लिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो फिक्स एक जगह पर है, दुकान है, घर है, जमीन है, उसके ऊपर होता है। फोर्थ है एंटरटेनमेंट टैक्स। इंजॉय कर रहे हो ना गवर्नमेंट की सर्विसेज को, उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। मूवी टिकट्स
थिएटर में जा रहे हो, सिनेमा में जा रहे हो, टिकट्स के लिए पे करोगे, आपको टैक्स साथ में देना होता है. एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क है, इस तरह से जो होते हैं प्लाजास होते हैं, वहां पे स्टेज शोज हैं, एग्जीबिशंस हैं, वहां पे आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो ना, तो आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना होगा. हमारा नेक्स्ट आता है सेफ गार्ड ड्यूटीज, टू सेफ गार्ड द इकोनॉमी. अब ये बड़ा ध्यान से समझिए थोड़ा, ठीक है. सेफ गार्ड ड्यूटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. इसमें क्या होता है, अब सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को सेफ गार्ड करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करवानी है, उस केस में सेफ गार्ड ड्यूटी लगती है. फॉर एग्जाम्पल, वीट का एक्सपोर्ट हम करते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वीट का एक्सपोर्ट कम हो, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि फूड सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है देश की, हमें वीट का एक्सपोर्ट कम करना होगा, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते, हम बस उसका प्राइस बढ़ा देंगे. अब कोई चीज महंगी हो गई, लोग वैसे ही एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. अब दूसरी कंट्री सोचेगी हम क्यों इंडिया से वीट लें, हमें दूसरी जगह पर सस्ता मिल रहा है, हम वहां से लेंगे. इससे हमारे जो बायर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और हमें तो चाहिए यही था कि वीट कोई ना खरीदे ताकि इंडिया में फूड सिक्योरिटी बनी रहे. इस तरह की जब ड्यूटी सेफ गार्ड किसी चीज को, किसी फसल, किसी भी चीज को जब सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए कोई ड्यूटी लगती है, दैट इज नोन एज सेफ गार्ड ड्यूटी, एंड दैट इज एंड दैट ऑल्सो कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. लास्ट हमारा आता है सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स है कोई सर्विस यूज करने के लिए जब आपको टैक्स देना पड़ता है. चार्ज ऑन सर्विसेज अवेलेबल अवेल्ड बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स किसी सर्विस को यूज करते हैं उस टाइम पे जो उनको टैक्स देना पड़ता है, दैट इज नोन एज सर्विस टैक्स. बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे है होटल बुकिंग का. आप कहीं घूमने जा रहे हैं जी होटल में, तो आप उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, होटल में आपने बुकिंग करवाई, आप वहां पे मजे से रह रहे हैं, बार बार फोन करके चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, तो इस तरह की सर्विस यूज करने के लिए आपको जो टैक्स देना पड़ता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. अब आपके दिमाग में ये चीज बैठनी चाहिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली देगा, इनडायरेक्ट मतलब हम इनडायरेक्टली देंगे. डायरेक्ट में होता है कि जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है सेम पर्सन में है, इनडायरेक्ट में दोनों में डिफरेंट पर्सन पे है. आप डायरेक्ट टैक्स में क्या करते हो, मेरे सर के ऊपर टैक्स आया है तो मुझे ही देना पड़ेगा, मूव नहीं कर सकते. इनडायरेक्ट टैक्स में आप दूसरे के ऊपर सर पे डाल देते हो, वो मजे से टैक्स देगा, आप मजे से एंजॉय करते हो, है ना. ये सब चीजें हमने पढ़ी, लास्ट में पढ़े हमने टाइप्स. तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस वीडियो पे, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और कोई भी कमेंट है, कोई भी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जीएसटी, विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. देखिए मेन टॉपिक हमारा है टैक्सेशन इन इंडिया, जिसके दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ. उसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं. आज हमें सोलली डिस्कस करना है जीएसटी के साथ. देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, लॉन्च्ड विद द व्यू ऑफ वन नेशन वन टैक्स. अब जिस टाइम जीएसटी नहीं था उससे पहले अनेक प्रकार के टैक्स लगते थे. आपका इनकम टैक्स है, आपकी एक्साइज ड्यूटी है, आपका सर्विस टैक्स है, आपका वैल्यू एडिशन टैक्स है, आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है, इस तरह से बहुत सारे टैक्स लगते थे, ठीक है. लेकिन अब जब जीएसटी आ गया तो उसके बाद हर तरह के टैक्स लगने वो बंद हो गए. अब सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है. ये लॉन्च किया गया इस व्यू के साथ कि जब देश एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए. अलग अलग टैक्स क्यों, जब देश एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए. टू मेक इंडिया अ यूनिफाइड मार्केट, थोड़ा और इंटीग्रेट करने के लिए टैक्स को ये टैक्सेशन सिस्टम आया था. सेकेंड पॉइंट आता है दैट इट इज अ सिंगल टैक्स. अब एक ही टैक्स है जीएसटी जो इंडिया में लगता है, इसके अलावा कोई नहीं लगता. हाँ, वो हम बोल सकते हैं कि एक सेंट्रल जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी है, वो अलग चीज है. वो हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वो भी पढ़ेंगे कि सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है, बट वो जीएसटी के ही वेरियंट्स है, ठीक है. अब जीएसटी क्या है, एक सिंगल टैक्स है, एक इकलौता टैक्स है, लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स. अब देखिए होता क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आप समझते हैं, गुड्स होता है सामान, सर्विसेज होता है कोई सुविधा प्रोवाइड करवाना. जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, बसेस में हम जाते हैं तो सरकार हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रही है ना. हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, हमारा एसी खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कंपनी वाले को फोन करते हैं कि आओ यहां पे कुछ दिक्कत है. वो आते हैं, अपना 500,000 लेते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं. तो अब परचेज तो हमने पहले कर ली थी ना मशीन, जो उन्होंने अभी हमें प्रोवाइड करवाया, दैट इज नोन एज सर्विसेज. टेलीफोन सर्विसेज है, आपके डेटा केबल सर्विसेज है ना, हमें इस तरह की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें वो हमें कुछ सर्विस दे रहे हैं, है ना, वो सारा सर्विसेज सेक्टर में आता है. गुड्स हो गया, मैं नोटबुक लेकर आई हूँ मार्केट से, मैं पेंसिल का एक बॉक्स लेकर आई हूँ, मैं स्टडी टेबल लेकर आई हूँ, मैं बुक शेल्फ लेकर आई हूँ, मैं शू रैक लेकर आई, तो वो सारी चीजें हैं, है ना. जैसे वॉशिंग मशीन है, टीवी है, मोबाइल फोन, ये सारे गुड्स हैं, है ना. तो समझ गए आपके गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं.
नाउ जीएसटी के आने से पहले गुड्स पे लगता था वैल्यू एडेड टैक्स वैट और सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स, लेकिन अब जीएसटी आ गया तो ये सब चीजें तो वैसे सब्ज्यूम हो गई हैं, है ना। तो अब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है हमारा सिंगल टैक्स, जो कि मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक एक ही टैक्स होता है। पहले क्या होता था, जब मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करता था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं मोबाइल की चिप्स बनाती हूँ, आईसीज बनाती है मेरी कोई कंपनी है, या एबीसी कोई कंपनी है, या माइक्रोन कंपनी है जो चिप्स बनाती है, तो पहले वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसके ऊपर टैक्स देगी, फिर वो जो मैन्युफैक्चर होके चिप्स बनी वो जाएंगे हमारे डीलर के पास, तो डीलर उसके ऊपर टैक्स देगा, फिर वो जाएगी कंज्यूमर के पास, तो कंज्यूमर उसके ऊपर टैक्स देगा। तो टैक्स पे टैक्स पे टैक्स पे करके 50 रुपए की चीज जो है वो 200 रुपए तक पड़ जाती थी, मतलब कॉस्टली होती थी। लेकिन अब जीएसटी आया है तो अब मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर एक ही टैक्स देना है, जो बना रहा है, जो डील मैन्युफैक्चर कौन है, जो चीज कोई प्रोडक्ट बनाता है, डीलर कौन है जो दुकान में बैठ के उसको बेचता है, या होलसेलर, कंज्यूमर कौन है, आप और हम जो मार्केट में जाके खरीदते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक अब सिंगल टैक्स लगता है जीएसटी। अब बीच में 2-3 टैक्स नहीं लगते कि मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टैक्स देगा, डीलर जो है मैन्युफैक्चरर से खरीदने के लिए टैक्स देगा, कंज्यूमर फिर और टैक्स देगा, ऐसा नहीं होता। अब पहले होता था जीएसटी से पहले। नाउ यहीं पे वही बात है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्साइज ड्यूटी लगती थी, बट अब सीजीएसटी, अब ये सीजीएसटी, इसके लिए रुक जाइए जरा, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले जीएसटी क्या है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट आता है दैट इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। डेस्टिनेशन बेस्ड वेडिंग तो सुना है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, देखिए ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे, बट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में कोई मान लीजिए कंपनी है जो बुक्स प्रिंटिंग करती है, या फिर नोटबुक्स बनाती है, ऐसे लीजिए नोटबुक्स हो गए, पेंसिल्स हो गए, इस तरह के स्टेशनरी का सामान बनाती है, ठीक है। अब ये हिमाचल की कंपनी है और ये कहाँ पे बेचती है, ये पे जाके बेचती है मध्य प्रदेश में, वही नोटबुक्स पेंसिल्स स्टेशनरी का सामान इरेजर ये सारी चीजें जाके बेचती है एमपी में, क्योंकि एमपी में डिमांड ज्यादा है, वहां पे बेचती है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है कि अब जो मध्य प्रदेश में वहां से खरीदा सामान, ठीक है, मध्य प्रदेश ने डीलर है, होलसेलर है, जो भी उसने सामान खरीद लिया, क्योंकि उसके स्टेशनरी का सामान बहुत लगता है एमपी में, तो अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम का मतलब है कि जो एमपी की सरकार है उसे टैक्स मिलेगा, जो टैक्स कलेक्शन होगी ना। अब देखिए हिमाचल में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग पे कोई टैक्स लगता ही नहीं है, ये तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, मतलब डेस्टिनेशन में यानी लास्ट में जाके जहां पे सामान बिकेगा, जहां पे डिमांड है, जिस स्टेट की जनता ज्यादा चीजों को यूज करती है ना, उसी स्टेट को फायदा है इससे जीएसटी से, ठीक है। तो एमपी की जनता ज्यादा स्टेशनरी का सामान यूज कर रही है, तो अब एमपी गवर्नमेंट को बहुत फायदा है इस चीज से, क्योंकि सारा का सारा टैक्स वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हल्का सा सीजीएसटी एसजीएसटी का कंसेप्ट आता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हमें सिर्फ फोकस करना है कि जीएसटी है क्या, कैसे इम्पोज होता है, फिर जो टाइप्स है ना इसके 3, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि जैसे सेंटर जीएसटी है, सेंटर इम्पोज करता है, इस तरह से वो बिल्कुल सिंपल है। नाउ हिमाचल में मैन्युफैक्चरिंग हुई, हिमाचल ने कोई टैक्स नहीं लिया ना दिया, हिमाचल गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बेची अब उस कंपनी ने जाके एमपी में, एमपी में जो एमपी गवर्नमेंट थी उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, जिस जगह पे जिस स्टेट पे कंज्यूमर्स चीजों को यूज करते हैं उसी स्टेट के पास पैसा आता है टैक्स का, ठीक है। ये हम इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से कंसिडर करेंगे एंड में, राइट। नाउ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, इट इज अ टैक्स पेड फॉर यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सामान आप लेते हैं, कोई भी सर्विस आप यूज करते हैं, उसके लिए जो आपको टैक्स देना पड़ता है, दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, पेड एट द टाइम ऑफ कंजप्शन, ये बिल्कुल रट लो, अपने दिमाग में रख लो, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, जो सिर्फ हम जो कंज्यूमर है, जो वो कंज्यूम करता है चीजों को तभी पे करता है। मैं गई हूं मार्केट में, मुझे टीवी परचेज करना है आज नया, तो टीवी पहले किसी ने मैन्युफैक्चर किया, फिर जिस स्टेट में मैं रहती हूं वहां पे डीलर ने उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मंगवाया, अब मैं उसे खरीद रही हूं आज, तो ना मैन्युफैक्चरर ने कुछ दिया जीएसटी, ना डीलर ने दिया, दिया किसने, मैंने, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूं, मैं कंज्यूम कर रही हूं, मैं सर्विसेज का फायदा उठाऊंगी टीवी का, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा वो भी देते हैं, लेकिन वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, उस चीज को आप छोड़ दीजिए, है ना। चलिए अब यहां पे आती है डेट, यस हम पढ़ेंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पास हुआ, बट पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली कब लागू हुआ था जीएसटी, कब से एप्लीकेबल हुआ था। सो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी टू बी एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया, इंडिया में जीएसटी अप्लाई हुआ था। अब सोचने वाली बात है कि 1 जुलाई की बात है, आज 2 जुलाई है,
है ना। तो आज के दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मतलब पिछले दिन, काफी साल हो गए, 17 से टोटल 6 ईयर्स हो गए, ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट हुए हुए। फोर्थ पॉइंट आता है, कैलकुलेटेड ओनली इन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी वैल्यू एडिशन होती रहती है, ये कैलकुलेट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है, एस्टेब्लिश्ड बाय, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा आपको, वैल्यू एडिशन क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव करना है ना। नाउ जो जीएसटी है ये एस्टेब्लिश किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2016 में पास हुआ था। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी, है ना। तो देखिए, जरूरत थी, पहली की बात करें, जीएसटी से पहले की बात करें, तो स्टेट के पास पावर थी टू कलेक्ट गुड्स टैक्स। गुड्स टैक्स यानी यहाँ पे वैट जो है वो स्टेट कलेक्ट करता था, एंड सेंटर के पास पावर थी टू कलेक्ट सर्विसेज टैक्स। सर्विस पे जो सर्विस टैक्स होता था वो सेंटर कलेक्ट करता था। यहाँ पे स्टेट के पास कोई पावर नहीं थी सर्विस टैक्स कलेक्ट करने की, सेंटर के पास कोई पावर नहीं थी गुड्स टैक्स कलेक्ट करने की। लेकिन अब टैक्स तो एक ही हो गया, अब तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ही हो गया, तो पावर भी तो पावर अल्टरेशन होना है, पावर भी तो चेंज होनी है, कौन सा टैक्स स्टेट रखेगी, कौन सा टैक्स सेंटर रखेगी, वो भी तो चेंज होना है। इसलिए हमें संविधान में चेंज करने की जरूरत पड़ी, जो कि कैसे होता है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट आता है जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या है, अब कोई दिक्कत आती है, कोई मैटर है जो कि जीएसटी से रिलेटेड है, तो उसको सॉल्व भी तो करना है। उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे ना, है ना। तो उसके लिए अलग से काउंसिल बनी है, दैट इज नोन एज जीएसटी काउंसिल, टू डिसाइड अपॉन एनी मैटर रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसके ऊपर डिसीजन लेना है तो जीएसटी काउंसिल लेगी, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये हिमाचल और एमपी वाला एग्जांपल समझाया ना, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे इसको बेटर वे में, बट उसके लिए यहां पे देखिए हमें पहले पढ़ना होगा टाइप्स, ठीक है। टाइप्स कह लीजिए, वेरियंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है ये जीएसटी ही। एक है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हिमाचल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो थोड़ा भी टैक्स नहीं हिमाचल को मिलेगा, ऐसे तो हिमाचल सरकार घाटे में चली जाएगी। जिस अब कुछ आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत है या माइनिंग यूनिट बहुत है, तो इस हिसाब से तो वो स्टेट्स घाटे में चली जाएंगी, तो उनके लिए भी सरकार ने कुछ रखा है, वो थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। सीजीएसटी होता है इम्पोज बाय सेंटर। जो सीजीएसटी है वो सेंटर इम्पोज करता है, मतलब जो सीजीएसटी के अंडर टैक्स कटता है वो जाता है सीधे सेंटर के पास, ठीक है जी। फिर होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय स्टेट। जो स्टेट लगाती है गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स, दैट इज नोन एज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसके अंडर जो टैक्स कटता है वो जाता है हमारा स्टेट के पास। अब देखिए यहां पे है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंडर, एक ही स्टेट के अंडर। यहां पे हम फिर से वही हिमाचल वाला एग्जांपल लेंगे कि हाँ, नोटबुक और पेंसिल बॉक्स और इरेजर और जो भी ये स्टेशनरी का सामान है ये बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई नोटबुक 100 रुपीज की रखी गई है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के लिए, ठीक है। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, वो देगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी है 10%, एसजीएसटी है 10%, जिसमें से 10 रुपए जाएंगे सेंटर गवर्नमेंट को, 10 रुपए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, तो एक्चुअल कॉस्ट थी उसकी 80 रुपए, ठीक है। तो ये पेमेंट हुई है, ठीक है, जिसमें से 10 रुपए गए सीजीएसटी यानी सेंटर को, 10 रुपए गए स्टेट जीएसटी को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब आप यहां पे समझ रहे हैं, इंट्रा स्टेट, एक सिंगल स्टेट में जब ट्रांजेक्शन होगी ना तो वो उस पर सीजीएसटी भी कटेगा, एसजीएसटी भी कटेगा। लेकिन 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 अगर इंटर स्टेट हो रही है, यहां पर वो एग्जाम्पल आएगा हिमाचल एंड एमपी। वैसे मैंने यहां पे और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बट चलो पुराना एग्जाम्पल ही डिस्कस कर लेते हैं, क्यों नया लेना, सेम ही चीज है। हिमाचल में क्या हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग, एमपी में क्या हो रही है सेलिंग, राइट। नाउ आईजीएसटी क्या है, इम्पोस्ड ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है उस पर यह इम्पोज होता है। यानी मध्य प्रदेश में जब जाएगा ना सामान तो वहां पर क्या लगेगा, वहां पर एक तो लगेगा एसजीएसटी जो स्टेट रखेगा अपने पास, एक लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी किसके पास जाएगा, थोड़ा सा शेयर इसका जो आईजीएसटी होता है इसका थोड़ा सा शेयर स्टेट के पास जाता है और थोड़ा सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। आई होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हूं। कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नहीं भी समझ आता छोड़ दीजिए। सेंट्रल कलेक्ट करता है सीजीएसटी, स्टेट कलेक्ट करता है एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड है वो, दोनों के पास कुछ पोर्शन जो है उसका जाता है। बट
अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज, मैं आपको तब से बोल रही हूँ ना, यहाँ पे एक चीज बोल रही हूँ कि हिमाचल लॉस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लॉस में है। यहाँ भी अब इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फॉर एग्जांपल बहुत सारी नोटबुक्स बनती हैं, वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो अलग अलग तरह की चीजें वहां पे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत हैं, तो वो तो टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि ये तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो इससे क्या होगा, ऐसी स्टेट्स जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत है वहां पे तो कोई टैक्स कलेक्ट ही नहीं होगा, जिसकी वजह से वो घाटे में जाएगा। तो ये एक चैलेंज है सबसे बड़ा जीएसटी का। जीएसटी के फायदे तो बहुत है कि अब जो एक्चुअल प्राइस है काफी कम हो गया है। अदरवाइज देखिए जो ये वाला एग्जांपल है ना, अगर मान लीजिए आपकी 100 रुपए की नोटबुक है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले 10% टैक्स लगाएंगे, 110 हो गया। फिर उसके बाद जो डीलर होगा वो खरीदेगा, 10 रुपए लगाएगा, तो 122 के अराउंड फिर कॉस्ट हो गई। फिर जो कंज्यूमर आएगा वो खरीदेगा, उसके ऊपर और टैक्स लगेगा, तो 135 या 140 के अराउंड हमें कोई भी चीज पड़ती थी जो 100 रुपए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी जीएसटी से पहले। लेकिन जीएसटी के बाद अब बार बार टैक्स नहीं लगते, मैन्युफैक्चरर भी टैक्स देगा, फिर आपका डीलर भी टैक्स देगा, फिर कंज्यूमर भी टैक्स देगा, ये चीज बंद हो गई। इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, वैसे वो भी जीएसटी से रिलेटेड है, यहां मैं कहती हूँ, बट हमें बहुत, जिस मैंने आपको बताया ना कि हमें बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जितना कि एग्जाम में काम आता है ना, तो उतना मैंने, मुझे लगता है मैंने पढ़ा दिया है, आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए वैसे तो। अब देखिए कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, ऊपर चलते हैं वापिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर टैक्स देता है, बीच में डीलर टैक्स देता है, फिर कंज्यूमर टैक्स देता है, तो कंज्यूमर को 100 रुपए की चीज 150 यानी 150 रुपीज की पड़ जाती है। लेकिन जीएसटी आने का फायदा ये हुआ कि अब एक ही टैक्स लगेगा, जो कौन देगा, सिर्फ कंज्यूमर देगा, ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला कोई टैक्स देगा, ना डीलर कोई टैक्स देगा, तो इससे 100 रुपए की चीज उसको 110 या 112 रुपए की पड़ जाएगी। तो इससे जो कंज्यूमर है उसके लिए काफी ज्यादा फायदा है, चीजें बहुत अफोर्डेबल रेट पे मिल रही है ना। लेकिन अब चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज मैं शुरू से कह रही हूं एक ही बात कि चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने कहा था कि हिमाचल एग्जांपल लिया है, ऐसा कुछ नहीं कि हिमाचल में नोटबुक्स ये बनाने की कोई फैक्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हिमाचल में स्टेशनरी के सामान बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और वो बहुत प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन अब हिमाचल स्टेट को तो उसे फायदा ही नहीं हो रहे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जीएसटी का, ऐसी स्टेट्स जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं वो लॉस में जा रही हैं। बिकॉज क्यों, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्योंकि जीएसटी है ही डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इससे फायदे में कौन है, वो स्टेट्स जो बहुत डेवलप्ड है, जहां पे पैसा बहुत है लोगों के पास, अमीर अमीर लोग हैं। अब जब अमीर लोग हैं तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अब कोई भी चीज खरीदी जाएगी उस पर जीएसटी जाएगा, तो वो स्टेट को जाएगा, स्टेट के पास पैसा आ रहा है और स्टेट भी खुश, पैसा आ रहा है, कंज्यूमर भी खुश, उसको अच्छी चीज, अलग अलग वैरायटी की चीजें मिल रही हैं। लेकिन नुकसान में कौन है, लॉस में कौन है, वो वाली स्टेट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मैन्युफैक्चरर ने कुछ टैक्स देना नहीं है, मैन्युफैक्चरर कुछ टैक्स देंगे नहीं, तो स्टेट टैक्स कलेक्ट क्या करेगी, स्टेट टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी, रेवेन्यू नहीं रहेगा, पैसा नहीं होगा, तो स्टेट तो गरीब हो ही जाएगी, है ना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जीएसटी का। अब देखिए, आई होप मैं इस कंसेप्ट को आपको समझाने में सक्सेसफुल हो पाई हूं, मैंने अपना बेस्ट दिया है अंडरस्टैंड करवाने में आपको। फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आऊं। कुछ और कंटेंट अगर आपको चाहिए इसके ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। बट अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकूं, अब आप पे डिपेंडेंट है। कोई भी अपडेट है, कोई भी फीडबैक है, मुझे जल्दी से दें, ताकि मैं, अगर आप चाहते हैं मैं एक और बार इसे समझाऊं, तो मैं एक और बार इसे समझा दूंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मैं भी कोशिश करती हूं अच्छे से समझाऊं, आपकी भी कोशिश रहती है कि अच्छे से समझें। बट अगर कहीं भी कोई इश्यू आता है, तो अभी देखिए सीरीज चल रही है, तो अभी हम एक टॉपिक को 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं, मतलब जब एक बार कंप्लीट हो जाता है ना, फिर से वही पेस पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी फीडबैक है आप दे सकते हैं। इसी के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।